अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी बैगन आलू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो मैंने रोस्ट करके बनाई है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ मैंने दो बैगन लिए हैं दरमियानी साइज के। इसका वजन 300 ग्राम है। स्लिट्स मैं इसलिए कर रही हूँ कि अच्छे से ये रोस्ट हो जाए। और इसके अंदर मैंने लहसुन भी 2 से 3 काट के मैंने डाल दिए थे, ये देखें, ताकि साथ में ये भी रोस्ट हो जाएगा। अब स्टोव टॉप ग्रिल पर मैंने बैगन रख दिए हैं, और एक टमाटर है और 3 हरी मिर्ची है। इसको मैं लो फ्लेम पे जो है मैंने इसको भूना था। तेज़ मत कीजिएगा आप भी, वरना ये सारे जल जाएंगे, जायका ख़राब हो जाएगा सब्ज़ी का। इसको कवर कर देंगे और अब मसाले की तैयारी कर लेंगे, जो बैगन आलू के लिए हम तैयार कर रहे हैं। 2 से 3 जो है दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ली है, 1 हरी मिर्च है इसको मोटा मोटा काट दिया था, और एक लहसुन है, छोटा लहसुन ले लिया था मैंने, इसको भी चॉप करके मैं प्याज में शामिल कर दूंगी। अब इसको एक प्लेट में मैंने निकाल दिया था। अब आलू है, इसको भी छील लेंगे और इसके छोटे छोटे क्यूब बना लेंगे। क्यूब आपने छोटे छोटे रखने हैं। ये बहुत ही मज़े की सब्जी बनती है, जो नहीं भी बैगन खाता है यकीन करें वो उसने स्टार्ट कर देना है खाना। इसको वॉश करने के बाद इसको मैंने पानी में डाल के छोड़ दिया था, वरना ये काले हो जाते हैं, ये देखें। अब इसको चेक भी कर लेंगे और इसको फ्लिप भी करेंगे। हरी मिर्ची तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, और बैगन और टमाटर में थोड़ी देर लगी थी मुझे। अब हरी मिर्च को जो है मैंने इसको एक बर्तन में निकाल दिया, इसको चेक कर लेंगे कि ये गले कि नहीं गले। ये कम थोड़ी सी कसर रह गई थी, इसलिए मैंने दोबारा से कवर कर लिया था। और जब हो गए तो इसको मैंने प्लेट पर निकाल लिया। अब इसे गूदे को निकाल के इसको मैश करेंगे। हरी मिर्च को मैंने पहले से मैश करके रखा हुआ था, बस थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है, वरना हाथ वगैरह जल जल जाने का खदशा है। अच्छी तरह से इसको मैश करना है, और जो छिलके आ जाए उसको आपने बाहर निकाल देना है। और टमाटर जो को जो हमने रोस्ट किया था उसको भी अच्छे से मैश करना है बैगन के साथ। यानी इसमें बैगन, हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर को अच्छे से मैश करके इसका भरता सा बना लेना है। अब यहाँ मैंने आधा कप जो है सरसों का तेल लिया है। इसको गर्म करने के बाद जो आलू हमने काट के रखे थे उसको फ्राई कर लेंगे, हल्का फ्राई करेंगे, क्योंकि जो बैगन हम उसमें शामिल करेंगे मसाले में वो कुक्ड है, तो इसको भी हमने अनकुक नहीं डालना, वरना जायका ख़राब हो जाएगा कड़ी का। अब यहाँ मैंने आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधी चम्मच मेथी डाली है, और उसको थोड़ा सा क्रैकल करने के बाद प्याज और हरी मिर्च और लहसुन डालूंगी, और 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, 1/4 या 1/3 कहते हैं इसको खट्टी मिर्च, आधी चम्मच काली मिर्च और नमक। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुक होने देंगे। ये देखिए ऑयल इसका अलग होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे हमने आलू जो हमने हाफ फ्राई करके डाले हुए थे वो डाल देंगे, और 8 से 10 कड़ी पत्ते हैं फ्रेश वो भी शामिल करेंगे, और इसको मसाले के साथ आलू को फ्राई करेंगे। फ्लेम आपने स्लो रखना है, और जो हमारे पेस्ट था बैगन का मिक्सचर वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप ये है कि इसको अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो आपको बस थोड़ा सा आपने 10 मिनट इसको कुक करना है, और ये ऑलरेडी कुक है। आलू देख लीजिएगा ये गल चुके हैं कि नहीं गले हैं। और अगर आपने इसमें चावलों में खाना है तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, ये आपका ऑप्शनल है। मुझे चावलों के साथ सर्व करना था इसलिए मैं थोड़ा पानी डाला था। ये देखें अब ये तैयार हो चुकी है, इसको अब सर्व करूँगी मैं। इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ खाएं और ज़रूर आजमाइएगा। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, और मुझे कमेंट में बताइएगा ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।